तो हेलो भाई, मैं हूँ बयान सिंह और आज हम रिव्यू करने वाले हैं नेक्सा की तरफ से आने वाली एक्सेल 6 का। तो सबसे पहले अगर हम इसके इंजन की बात करें तो इसमें 1500cc का K15 सीरीज़ का स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन जो कि इसको मैक्स पावर प्रोवाइड करवाता है 101 bhp 6000 rpm पर। अगर इसमें इसके टॉर्क की बात करें तो टॉर्क इसमें आपको मिलता है 143 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क 4400 rpm पर। और भाई अगर हम इसकी हेडलाइट की बात करें तो इसमें क्वाड चैम्बर हेडलाइट मिलती है, मतलब क्वाड चैम्बर 1 2 3 4 ऑल LED सेटअप है, पूरा फोग लैम्प है, सब कुछ LED है। ये आपको इधर ऐसे DRL मिलती है, दोनों तरफ DRL मिलती है। ये आपको हेलोजन में इसके इंडिकेटर मिलते हैं। क्वाड चैम्बर हेडलाइट है भाई। और ये इसमें क्रोम का ट्रीटमेंट थोड़ा आपको चारों तरफ आप देख सकते हो, इसकी स्किड प्लेट्स मिलती हैं। और भाई अगर इसकी हम साइड से बात करें तो इसमें टायर साइज़ की बात करें तो भाई इसमें आपको 15 इंच का टायर मिलता है, 15 इंच का। अब जो आ गया है इसका फेसलिफ्ट, उसमें आपको 16 इंच का टायर कंपनी ने प्रोवाइड करवाया है, 16 इंच का टायर मिलेगा। और डुअल टोन मशीन कट एलॉय व्हील आपको मिलेंगे भाई। ये हल्का सा ट्रीटमेंट है इसके जो, और जो वेरिएंट निकाले हैं उसमें जो यहाँ पर है टॉप मॉडल Alpha+FF ऐसे कुछ करके है, उसमें आपको क्रोम का ट्रीटमेंट मिलता है भाई। इसी के साथ इसमें ग्लोसी ORVM विथ टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं भाई। क्रोम डोर हैंडल्स विथ कीलेस एंट्री, कीलेस अगर बेसिकली मैं आपको बताऊं, कीलेस एंट्री वो होती है जैसे कि आपके पास की है तो आपको की अपने जेब में रखनी है, आपको की को टच नहीं करना, बेसिकली इस बटन को दबाओगे और कार में एंटर करोगे। और जिस कार में कीलेस एंट्री होती है उसमें आपको पुश बटन स्टार्ट स्टॉप मिलता है भाई। भाई मैंने टायर साइज बता दिया, आप देख सकते हो ज़्यादा ये क्लाइडिंग ये मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है भाई, बहुत ज़्यादा दे रखी है, हद से ज़्यादा दे रखी है। ये साइडों में इसके स्किड प्लेट्स और भाई ये इसमें थोड़ा ये क्रोम गार्निश, डोर वाइजर ये सब हमने लगवाए हैं इसमें। ऊपर आपको रूफ रेल्स मिलती है जो सिर्फ आर्टिफिशियल, सिर्फ शो ऑफ के लिए, आप इसके ऊपर कुछ बांध नहीं सकते कहीं आप अगर कुछ अपना लगेज बांध के ले जाओ तो, इसलिए नहीं है भाई। ये नीचे क्रोम गार्निश वगैरह आपको मिलेगी भाई। इसी के साथ अगर मैं इसकी टेल लाइट की बात करूँ तो ये भी पूरा LED सेटअप है, बस इसमें आपको ये जो हेलोजन बल्ब है और ये जो रिवर्स पार्किंग लैंप है ये आपको हेलोजन में मिलते हैं, बाकी ये आपका पूरा सेटअप LED। और इसकी ये जो टेल लाइट है ये ओडी की वोल्वो की एक कार आती है उससे इंस्पायर्ड है, उसका नाम अभी मेरे दिमाग में आ नहीं रहा, उससे इंस्पायर्ड इसकी टेल लाइट है। ये आपकी इतनी ये सीधी जलती है, फिर ये ऐसे जलती भाई। और यहाँ 4-5 पॉइंट है LED के। इसी के साथ यहाँ पर एक्सेल 6 जैसे हमारे ये इधर Ertiga भी खड़ी है तो इसमें जैसे कुछ नहीं है, इसमें आपको जैसे इसके और इसके बैक में डिफरेंस दिख रहा होगा, वैसे दोनों सेम है, डिटो सेम है, बट ये Ertiga से थोड़ी सी बड़ी है। इसमें ये आपको इधर ग्लोसी मिलता है। और कई लोग क्या करते हैं Ertiga के ये जो है इस पर भी ऐसा ग्लोसी करवा लेते हैं, वो भी अच्छा लगता है वैसे। इसी के साथ अगर बात करूँ तो इसमें रियर वाइपर, रियर डिफोगर, हाई माउंट स्टॉप लैंप और ये स्पॉइलर आपको आपकी वो होता है भाई, आपको लेना पड़ेगा, 5000 रुपये हमने इसके लिए दिए थे। इसी के साथ आप स्मार्ट हाइब्रिड की इसमें पैजिंग देख सकते हो, ये थोड़ा क्रोम ट्रीटमेंट और यहाँ एक्सेल 6 की पैजिंग भाई। और ये रिफ्लेक्टर है, ये अगर हम चाहें तो ये इंडिकेटर वगैरह ये हम चेंज करवा सकते हैं, बट इसमें जहाँ तक मेरे को लगता है वायर कटिंग बाई मिस्टेक हो जाए तो फिर गारंटी गाड़ी की पूरी ख़त्म, इस वजह से हम इसको नहीं चेंज करवाएंगे भाई। इसी के साथ अगर हम इसके पार्किंग सेंसर की बात करें तो 1 2 3 और ये आपके 4 इसमें पूरे पार्किंग सेंसर मिलते हैं। अगर अब हम गाड़ी के चलो अब आप की बात करते हैं भाई, तो की आपको बेसिकली आपको ऐसी की मिलती है, ऐसी एक और की आपको इसमें नेक्सा प्रोवाइड करवाती है भाई, दो की प्रोवाइड करवाती है, दोनों में आपको सेंटर लॉकिंग मिलती है। ये की है जो हमारी डेली यूज़ होती है और ये इसके एक्स्ट्रा की है। अगर इसकी की बात करूँ तो काफ़ी डिसेंट अच्छी सी है मतलब, और अगर मैं इसमें आप बताऊँ आपको तो सिंपल सा इसमें अनलॉक लॉक और एक हिडन फीचर है भाई, देखो मैं दिखाता हूँ। आप अगर इसके बटन को कुछ सेकेंड्स के लिए प्रेस करोगे तो गाड़ी एक बीप करने लग जाएगी। ये बेसिकली आपको बता दूँ मैं ये किस लिए होता है, ये आपकी गाड़ी जैसे कहीं बहुत दूर पार्किंग में खड़ी हो तो आपको कार ढूंढने में बहुत दिक्कत होती है, तो ये आप मतलब इसको प्रेस करोगे आप गाड़ी ज़ोर से एकदम बीप करेगी, इसके इंडिकेटर वगैरह सब ऑन हो जाएंगे ताकि आपको पता चल जाए कि बेसिकली आपकी गाड़ी है कहाँ, खड़ी कहाँ है। तो चलो भाई इसी के साथ कीलेस एंट्री की बात करूँ तो आपको ड्राइवर साइड और उस तरफ दोनों साइड आपको इसमें कीलेस रिक्वेस्ट सेंसर मिलते हैं। अगर हम गाड़ी के अंदर चलते भाई तो भाई सबसे पहले तो देखो नेक्सा ने हमें ये प्रो
ये नेक्सा की तरफ से हमें मिले थे, और जस्ट अभी एक डेढ़ घंटे पहले गाड़ी की सर्विस होके आई है। अगर चलो गाड़ी को बंद करते भाई, सबसे पहले तो भाई हमने इसके ये एलोजन में आए थे जो कि हमें बिल्कुल बढ़िया नहीं लग रहे थे, ना इसकी कोई लाइटिंग थी, तो हमने इसको चेंज करवा दिया, LED मेट करवा दिया। इसके साथ अगर मैं बात करूँ, चलो ये इसका पुश स्टार्ट स्टॉप बटन है, इसको हम ऑन करेंगे भाई। क्लच इसके साथ भाई गाड़ी स्टार्ट हो गई है, तो पहले इसको बंद करते हैं यार। तो भाई अगर मैं इसके यहाँ ड्राइवर साइड विंडो की बात करूँ, तो ये आपकी वन टच डाउन और वन टच अप है विंडो। इसी के साथ अगर मैं इसकी सीट की बात करूँ, तो भाई ये सीट चारों तरफ से रिक्लाइन हो सकती है। ये एक विंडो सिर्फ इसकी वन टच वन अप है, बाकी आपको सारी आपको खुद करनी पड़ेगी। इसी के साथ आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ORVM मिल जाएंगे। ये वो बटन है जिससे आप मतलब कोई बच्चा बच्चा गेट ना खोले, छोटा बच्चा हो, इससे बेसिकली आप लॉक अनलॉक करोगे भाई। इसी के साथ यहाँ थोड़ी प्रीमियम सी फिनिश दी गई है गाड़ी में, जैसे ये यहाँ स्टोन फिनिश दे रखी है भाई। पहले इसको बंद करते हैं भाई, स्टोन फिनिश दे रखी है भाई, और वीडियो में रात को शूट करना थोड़ा क्वालिटी ऐसी होगी भाई, इसको थोड़ा इग्नोर करना। इसी के साथ अगर स्टेयरिंग की बात करें, तो ये लेदर रैप स्टेयरिंग हमने अपना हमको मिलता है भाई। इसी के साथ यहाँ पर इंफोटेन सिस्टम से रिलेटेड, और यहाँ पर क्रूज़ कंट्रोल। और क्रूज़ कंट्रोल मैं आपको बता दूँ भाई, बेसिकली 40 प्लस स्पीड पे ही अगर आप क्रूज़ कर सकते हो, उससे कम किसी भी कार में क्रूज़ कंट्रोल यूज़ नहीं होता है। और भाई इधर आपके वाइपर के कंट्रोल मिल जाएंगे, इस तरफ आपको हेडलाइट के कंट्रोल मिल जाते हैं भाई, ये हेडलाइट लेवलर मिल जाता है। अगर मैं इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करूं, तो वो हमें कंपनी से मिला था। और भाई ये जस्ट अभी कुछ टाइम 1 घंटे पहले इसकी 10,000 वाली सर्विस आई है भाई। ये देखो 11,676 किलोमीटर चल रही है। क्या मौसम है, चलना यार। ये अपने आप चला। इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करूँ, तो इसमें एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले दोनों काम करते हैं काफ़ी अच्छा से। और इसमें आपको अपनी गाड़ी की रोड ट्रिप वगैरह देख सकते हो, जैसे 125 दिखा रहा है, मुझे भी नहीं पता भाई। इसी के साथ अगर मैं सेटिंग में जाऊं, तो आप इसमें आप अपने हिसाब से जो भी इसका साउंड है, आप पीछे के स्पीकर अच्छा चाहते हो बुरा चाहते हो जो भी है, वो आप अपने हिसाब से इसमें चेंज कर सकते हो भाई। इसी के साथ अगर मैं बात करूँ, तो भाई इसमें आगे और पीछे आपको 4 सीट इसमें कैप्टन मिलती है, वो लास्ट वाली तो बच्चों के लिए है, सभी गाड़ी में फॉर्चुनर में वो बच्चे के लिए ही देते हैं। इसी के साथ अगर मैं बात करूँ, तो इसमें 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है आपको, और अब ऑटोमेटिक में 6 स्पीड मिलता है भाई। और एवरेज की अगर इसकी बात करूँ, तो ये लोकल में हमें एवरेज देती है 9, अभी जैसे लोकल में 9 का दे रही है, और हाईवे पे निकाल देती है भाई 20-25 का, मतलब 20 के अप्रोक्स निकाल देती है, 25 तो ये एक बार गई थी ऋषिकेश वगैरह जाके आई थी, तो इसने 20-25 का निकाला था, 24 का निकाला था जब। ये आपका इधर हजार लैंप ऑन करने का मिल जाता है भाई। इसी के साथ ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, या आपका इधर टेलीफोन, ये इधर आपका फ़ोन पिकअप करने का, कट करने का, इधर ये वॉइस कमांड का मिल जाता है, और आपका स्पीकर यहाँ, स्पीकर की प्लेसमेंट है इसमें, जो माइक है जो आपके सुनेगा। इसके साथ भाई इसमें एक ग्लो बॉक्स है, काफ़ी डिसेंट है, छोटा सा है, ना बड़ा ना छोटा भाई। इसी के साथ अगर मैं इसमें बात करूँ, तो यहाँ पर ये जो है आपके कप होल्डर्स, ये कूल्ड है भाई, इधर से AC वेंट है, ये आप देख सकते हो। इसी के साथ इसमें USB AUX आपको मिलता है। इसी के साथ ये आपको, और भाई ये 12 वोल्ट का 120 वोल्ट का पावर सॉकेट मिलता है, फ़ोन वगैरह चार्ज कर सकते हो भाई। इसी के साथ ये देखो भाई क्या है, ये समझ नहीं आया, ये हल्का सा स्लाइड लेबल है, मतलब ये एक नाम का है भाई, कुछ नहीं है इससे, कोई कुछ काम तो आता नहीं है। क्या डालोगे इसमें, सेंटर फ्रूट सिक्के विक्के डाल सकते हो, कितना छोटा सा भाई, बहुत छोटा भाई। अगर यहीं इसी के साथ में अगर आपको इसकी सीट के बारे में बताऊँ, तो भाई सीट इसकी आगे पीछे रिक्लाइन हो सकती है। इसी के साथ इसमें हाइट एडजस्टेबल भी है, और वहीं अगर मैं इसके, ये देखो भाई डोर हैंड, अगर वहीं अगर मैं इसकी स्टेयरिंग की बात करूं, तो भाई सिर्फ टिल्ट है, टेलीस्कोपिक नहीं है भाई। इसी के साथ आपको इसमें 4 स्पीकर और 2 ट्वीटर की प्लेसमेंट, एक वहां और एक यहां, आपको 2 ट्वीटर मिलते हैं भाई। यहीं अगर मैं अब इसके पीछे की बात करूँ भाई, पहले इसको बंद कर देते हैं, ये करती है। और भाई ये 4 इसकी सीट है, ये
कैप्टनशिप है, काफ़ी अच्छी है गाड़ी में। अगर कंफर्ट की बात करें तो बाइक को बहुत पूरा बहुत अच्छा कंफर्ट है कार में। इसी के साथ यहाँ पर एक और आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है। उसी के साथ ये थोड़ा सा स्पेस आप फ़ोन वगैरह रख सकते हो यहाँ चार्ज में लगा के। इसी के साथ सीट के पीछे थोड़ा स्पेस, ऑल पावर विंडो मैंने बता ही दिया। ये बेसिकली आपको ये अंदर और बाहर से नेक्सा से लगे हुए मिलते हैं आपको, ये क्रोम डोर हैंडल्स। इसी के साथ यहाँ छोटा मोटा स्पेस, पहले लाइट ऑन करते भाई। तो भाई ये इसकी कुछ पीछे से है, यहाँ आपको ये कप होल्डर बोतल होल्डर जो भी है ये मिल जाता है। उसी के साथ आपको एक और यहाँ पर 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, जो बेसिकली मेरे भाई के बहुत काम आता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फ़ोन एडिकेटेड है। इसी के साथ हम बात करें तो ये सीट बेल्ट आपके इसके मिलते हैं और वो पीछे सीट बेल्ट आपको दोनों तरफ मिलते हैं भाई। और ये रहा इधर एक सीट बेल्ट इसका। अगर यहीं मैं अगर इसके सीट बेल्ट की बात करूँ तो भाई ये बिल्कुल हाइट एडजस्टेबल है, ताकि ये मतलब जो कहीं छोटी हाइट का बंदा चला रहा हो तो उसकी गर्दन वगैरह के ना अड़े, तो इसमें आप हाइट एडजस्ट कर सकते हो। ओवरऑल गाड़ी भाई बहुत बढ़िया गाड़ी है। इसी के साथ ये देखो भाई, ये टिकट होल्डर आपको इधर टिकट होल्डर मिलता है। इधर मैं बात करूँ तो इधर आपको एक मिरर दिखता है जिसमें कोई अपनी शक्ल नहीं देखता भाई। इसी के साथ इसमें दो एयर बैग मिलते हैं, एक इस तरफ। और अब जो इसमें फेसलिफ्ट है उसमें आपको चार एयर बैग मिलते हैं। चारों एयर बैग आगे जो दो बंदे बैठेंगे उनके लिए है, बेसिकली पीछे के लिए नहीं है। तो भाई अब हम बाहर निकल के और देखते हैं गाड़ी। तो भाई ओवरऑल गाड़ी का लुक ऐसा है कुछ। और भाई ये अर्टिगा है, मैं फिर से बता रहा हूँ, अर्टिगा से लंबी है, थोड़ी ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी लंबी है भाई। इसी के साथ भाई यहाँ पर आपको गाड़ी में आइडल स्टार्ट स्टॉप बेसिकली इसलिए काम आता है, जैसे आप कहीं ट्रैफिक में रुकते हो तो आपकी जैसे गाड़ी अगर दो मिनट के लिए भी खड़ी हो जाएगी, कुछ सेकंड के लिए भी अगर खड़ी हो जाएगी, 10-15 सेकंड के लिए, तो आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी। आप जैसे लाइट रेड सिग्नल आपका ग्रीन होगा वैसे आप क्लच प्रेस करोगे, गाड़ी आपकी ऑटोमेटिक दोबारा ऑन हो जाएगी। नहीं अगर मैं इंजन की बात करूँ तो भाई एक नेक्सा की एक बेकार चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये बिल्कुल बढ़िया नहीं लगा यहाँ कुछ भी। मैं इसके इंजन के बारे में आपको कुछ बता रहा था, बीच में थोड़े घर वाले आ गए थे तो वीडियो ऑफ करनी पड़ी। तो भाई ये इसका K15 सीरीज़ का स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन है, जिसकी डिस्प्लेसमेंट में सीसी की बात करूँ तो 1500 सीसी का इंजन है। 4 सिलेंडर 1, 2, 3, 4 आपके 4 सिलेंडर इंजन है। और भाई ये इसकी बैटरी वगैरह, ये इधर वो फ्यूल टैंक, मतलब पानी वाला फ्यूल टैंक नहीं है भाई, 45 लीटर का इसका फ्यूल टैंक है। अगर मैं बताऊं 6 सीटिंग कैपेसिटी है, 5 डोर्स है। और भाई ये देखो, ये दिख रहा है भाई, ये देखो भाई, ये इसकी बहुत बेकार लगा मेरे को, क्योंकि ये कहीं भी जैसे गाड़ी जाए तो इसके मतलब नेक्सा को कुछ करना चाहिए ना, एक नहीं कुछ प्लेट वगैरह कुछ भी स्टील का या लोहे का कुछ भी इसकी सेफ्टी के लिए, क्योंकि जाए कोई पत्थर वत्थर इंजन के लगे तो इंजन डैमेज हो सकता है भाई। तो इसका तो बहुत बेकार लगा, और मैं कहूँगा भाई घर वालों से ताकि कुछ भी करवाओ, जैसे थार में लगता है ना उस तरह अगर लगवाना चाहे तो लगवा सकते हैं भाई। इसी के साथ मैं आपको इसके बूट स्पेस की बात करता हूँ, तो आपको बूट स्पेस के यहाँ पर भी बटन मिलता है, जैसे आपके जेब में की है, जैसे मैंने पहले बताया वही सेम कीलेस एंट्री है। अगर हम इसको दबाएँगे लॉक हो गई है ये, आपको ये आपके यहाँ ग्रैब हैंडल था क्या, ऐसे आप बंद कर सकते हो भाई। इसी के साथ अगर मैं बात करूँ तो ये काफ़ी मेरे को अच्छा लगा भाई, ये देखा मैंने बहुत बढ़िया लगा। इसके नीचे भी अगर आपको वो दिखेगी भाई, इसके नीचे भी है ये भाई, ये सम थोड़ा स्पेस है ये लगने के बाद, फिर वो लग जाते हैं, फिर ऊपर वो एक जो प्लास्टिक का था वो आ जाता है। इसी के साथ अगर मैं इसके स्टेपनी की बात करूं तो ये आपको कुछ टूल किट मिलता है, जैसे आपकी गाड़ी कहीं ख़राब हो जाती है तो आप वो एक ट्रायंगल रेड कलर का ट्रायंगल होता है भाई, उसको लगा के आप किसी को बता सकते हो कि हाँ यहाँ मैं हूँ। इसी के साथ इसका स्टेपनी यहाँ नहीं है भाई। इसी के साथ मैं अगर इसकी स्टेपनी की बात करूं तो इसकी स्टेपनी ये नीचे एक बार यूज्ड हो चुकी है वैसे भी, क्योंकि और ये आपका ये जैसे कहीं टो वो करना हो किसी को तो ये आपका साइलेंसर हो गया भाई। टायर साइज की बात करूँ तो इसमें कोई कॉस्ट कटिंग नहीं है, क्योंकि आगे इसके टायर 15 इंच के हैं और 14 इंच का देगी तो फिर क्या ही नेक्सा को इतना हेट मिलेगा ना। तो भाई टायर साइज तो इसके सारे सेम ही हैं, टायर साइज तो सेम है भाई, इसको लगा देते हैं। और भाई अगर मैं इसके बूट स्पेस की एक और बार बता देता हूँ, 45 लीटर का इसका फ्यूल टैंक है और 209 लीटर का इसका बूट स्पेस है भाई। 209 लीटर काफ़ी, मतलब 6 सीटर होने के बावजूद इसमें 209 लीटर का दे रखा है, काफ़ी अच्छा है।
वहीं अगर इसकी हम सीट रिक्लाइन की बात करें तो भाई अगर हम इसकी सीट रिक्लाइन कर देते हैं, अगर हम इसकी सारी सीट रिक्लाइन कर देंगे तो 500 प्लस बूट स्पेस आपका ये बन गया भाई। और वो सीट, वो जो कैप्टन सीट आगे वाली, उनको भी आगे कर देंगे तो और आपको यहाँ स्पेस मिल जाएगा। तो दोबारा कर देते हैं उसी के साथ। भाई अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर देख सकते हो, ये बेसिकली इसका जैक वगैरह है जो काफ़ी अच्छी जगह दे रखा है भाई, मतलब कोई इससे छेड़छाड़ नहीं कर सकता। तो भाई यही कुछ इसका रिव्यू था। और भाई एक चीज़ और मैं आपको दिखा दूँ कि हेडलाइट का, वो दिखा देता हूँ भाई। हेडलाइट का थ्रो बेसिकली इसका बहुत अच्छा है भाई। इसके साथ देखो भाई, ये इसमें एम्बिएंट लाइट वगैरह लगा रखी है। इस एम्बिएंट लाइट में इसमें काफ़ी सारे कलर हैं, मतलब म्यूज़िक के साथ, मतलब मोबाइल से कंट्रोल होती है। ये हमने आफ्टर मार्केट लगवाई थी और ये भी हमने आफ्टर मार्केट चेंज करवाए थे भाई। इसी के साथ देखो भाई, हेडलाइट का थ्रो काफ़ी अच्छा है, बहुत बढ़िया स्पेस है भाई। मतलब बहुत स्पेस नहीं भाई, पहली वीडियो है तो थोड़ा मैनेज कर लो, मैं हड़बड़ा रहा हूँ थोड़ा। और ये भाई इधर देख रहा है मेरे, ये इसकी DRL है भाई। इस तरह इसकी कुछ DRL चलती है। फोग लैंप अगर मैं बंद कर देता हूँ तो जो एम्बिएंट लाइट का कनेक्शन था वो आपका फोग लैंप के साथ कनेक्ट है भाई। ऐसा कुछ है भाई, काफ़ी अच्छी डिसेंट है, काफ़ी बढ़िया लगती है भाई गाड़ी चलती हुई। और बस भाई यही कुछ वीडियो थी भाई। अगर लाइक बढ़िया लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और जैसे मैं हड़बड़ा रहा हूँ भाई उसको थोड़ा इग्नोर करो। और ये पता नहीं आज किसने क्या कर दिया, मैं समझ नहीं आ रहा। तो भाई लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो वीडियो को। मेरी पहली वीडियो भाई, बहुत अच्छे से मतलब मैंने ट्राई किया कि मैं बनाऊं, बट काफ़ी कुछ चीज़ों में मेरे से मिस्टेक भी हुई है। तो भाई यही कुछ वीडियो थी, थैंक यू। और भाई एक बात मैं अगर बता दूं, अगर आप अच्छी एक फैमिली वो देखना चाहते हो, फैमिली कार, तो काफ़ी अच्छा है हमारे घर में। मैं, हमारे 7-8 बंदे, हम सब आराम से इसमें कहीं भी आ जा सकते हैं, हम ट्रिप भी मार सकते हैं, मतलब बिना किसी प्रॉब्लम के। काफ़ी अच्छी कार है भाई। और अभी इसका टायर शायद हम बढ़वाएंगे भाई, छोटा दे रखा है, नेक्सा से लेंगे जेन्युइन, जो उसके 16 इंच के मशीन कटा रहे हैं वही लेंगे भाई। अगर इसकी एवरेज की बात करो तो 24 मतलब हाईवे पे आपको अगर क्रूज़ कर देते हो आप इसको 80 के अप्रोक्स क्रूज़ करोगे तो आपको 22-23-24 इतने तक इसके करीब की एवरेज आपको निकाल के दे देगी भाई। और लोकल में जैसे मैंने आपको दिखाया ये 9 की एवरेज देती है भाई। शुरू शुरू में तो इसने मतलब एक बार राजस्थान गई थी आने, 5 मार्च को इसकी, 5 मार्च 2022 को इसकी डिलीवरी ली थी, और हम राजस्थान जाके आई थी एक बार ये। और अभी तो इसने 15,000 रुपये का तेल खाया था भाई, और ज़्यादा कुछ चली भी नहीं थी जहाँ तक मेरे को पता है। ये 500-700 किलोमीटर चल के आई थी, उसमें उसने 15,000 रुपये का तेल इसने जला दिया था। मतलब इतनी कम एवरेज दी थी। एक बार तो पापा इससे गुस्सा हो गए थे कि इससे पहले हम XUV 3W बुक करवाई थी, बट उसके साथ कुछ सीन हो गया था भाई, महिंद्रा ने कुछ सीन कर दिया तो हमने कैंसिल करवा के फिर ये ली थी, जो कि काफ़ी उससे काफ़ी बेटर है भाई। इसमें सनरूफ नहीं है बस, और सनरूफ बेसिकली मुझे तो नहीं लगता कि कोई, अगर किसी में पैनोरमिक सनरूफ है वो भी किसी काम की है, क्योंकि सनरूफ कितना बंदा खोल लेगा, वैसे ही टेम्परेचर बढ़ रहा है, सनरूफ खोलोगे तो और धूप हो जाएगी, तो इतने गर्मी कौन, बेसिकली सनरूफ किसी काम की नहीं होती मेरे को जहाँ तक पता है। उससे बिल्ड क्वालिटी पर भी असर पड़ता है भाई, कहीं ना कहीं उसकी बिल्ड क्वालिटी कम हो जाती है। जैसे आप टोयोटा में देखते हो, लैंड क्रूज़र है, 1.5-2 करोड़ की गाड़ी है, उसमें भी आपको छोटी सी सनरूफ मिलती है, क्योंकि टोयोटा का ये कहना है कि सनरूफ से गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल कम हो जाती है, इसलिए वो रोते रोते वो उन्होंने लैंड क्रूज़र में सनरूफ दिया। तो वही सीन है भाई। और सबसे बढ़िया भाई ये मारुति है, तो कॉस्ट कटिंग तो आप देख ही सकते हो, सारा LED सेटअप है, बस ये इंडिकेटर में पता नहीं इन्होंने कौन सी कॉस्ट कटिंग करी है भाई, बहुत गलत सीन किया है इसके साथ। और अब इसमें जो नया वाला आया है उसके, इसके यहाँ थोड़ा क्रोम का ट्रीटमेंट है, जो कि बिल्कुल बेकार लगता है मेरे को पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं आई इसकी। अगर आपको इसमें अब जो और भी 3-4, ये वाला जो कलर है ये बंद हो चुका है, ये वाला कलर काफ़ी अच्छा है, इसमें पता भी नहीं चलता गाड़ी आपकी गंदी है, मतलब ज़्यादा पता नहीं चलता। और कलर जैसे आप बाहर देखोगे तो देखो भाई इतनी जल्दी, देखो भाई मिट्टी हो गई है, कितनी मिट्टी उड़ती है। तो भाई ये अब ये कलर बंद हो गया, इसकी जगह सिल्वर कलर जो ग्रैंड वेड ये है आपका, ये कौन सा कलर था, ये मैग्मा ग्रे कलर है भाई। अब इसको बंद करके ऐसा कुछ स्प्लेंडेड सिल्वर करके ऐसा कुछ कलर आया है जो काफ़ी अच्छा है। और अब जो जिस कलर के साथ उन्होंने थोड़ा ये भी चेंज कराया कि ये टेल लाइट जो है ये स्मोकी दी है थोड़ी, और भाई उसकी थोड़ी हाइट तो मतलब ज़्यादा फर्क नहीं है, 1 इंच बढ़ाया है,
टायर वायर हम चेंज करवाई देंगे भाई। तो यही कुछ रिव्यू था भाई, फैमिली के लिए बहुत अच्छी गाड़ी है, नो डाउट आप इसको आँख बंद करके ले सकते हो। और सबसे बढ़िया है ये मारुति है, इसकी रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत ज़्यादा रिलायबिलिटी है कार की। और मारुति तो बिकती अपने नाम से बिकती है, इतना स्टैंड बना लिया है कि अगर किसी बैलगाड़ी पे भी अपना लोगो लगा के बेचेगी तो वो भी आराम से बिक जाएगी मारुति की। तो भाई यही, और मैं इसमें ये जीटा वेरिएंट है, अल्फा की बात करूँ तो अल्फा में और इसमें कुछ फ़र्क नहीं है भाई, कुछ भी फ़र्क नहीं है। उसमें फ़र्क इतना ही है कि आपको ये जो हेडलाइट है ये ऑटोमेटिक मिल जाएंगी, वाइपर ऑटोमेटिक मिल जाएंगे, और ये आपके पावर फोल्डेबल इलेक्ट्रिक ऑटोमेटिक फोल्ड एंड फोल्ड वाले मिल जाते, बस यही फ़र्क है भाई। तो आप गाड़ी को आँख बंद करके ले सकते हो, बहुत अच्छी कार है भाई। शुरू शुरू में ये एवरेज बहुत आपको रुला देगी, बट जा भी ये कुछ टाइम अभी एक घंटे डेढ़ घंटे पहले अपनी ये 10,000 वाली सर्विस कंप्लीट करके आई है, तो अभी इसकी एवरेज और बढ़ेगी भाई। चलो ये कुछ वीडियो थी भाई, लाइक कमेंट शेयर कर दो, थैंक यू।